मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 में हाल ही में ही नजर आने वाले द वेरी क्यूट एंड हैंडसम दीपक ठाकुर। जी हाँ, आपको बता दें हाल ही में ही दीपक ठाकुर को स्पॉट किया गया दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में, जहाँ पर दीपक ठाकुर का अंदाज लगा सबसे अलग। जी हाँ, बदल गया है दीपक का स्टाइल और अपने क्यूट से अंदाज में दीपक ठाकुर यहाँ भी नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों दीपक ठाकुर और सोमी खान जो है काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। जी हाँ, दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया जा रहा है और इस दौरान दीपक ठाकुर का ये अंदाज यानी कि इस अवार्ड फंक्शन में उनका ये स्टाइल देखकर सभी उनके दीवाने से बन गए हैं। वेल, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक ठाकुर का डाउन टू अर्थ जो नेचर है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े ही खूबसूरत तरीके से वो मीडिया से बात करते हुए नजर आए। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। यहाँ से देखिए, अवार्ड किसी को मिलता है कौन एक्साइटेड नहीं होता है, सब होता है। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, आत्मा प्रसन्न है, बहुत खुश हैं कि वहाँ बिहार से आके और इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक पहुँचे और फिल्मों में गाए तो उसका भी परिणाम मिल रहा है, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और इतना बड़ा मतलब ये जो इतना तामझाम कैमरा सब मेरे लिए है, हमको लोग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसके लिए सबको दिल से थैंक यू और दादा साहब फिल्म फेस्टिवल इनको दिल से थैंक यू कि इन्होंने इस काबिल समझा कि हमको बेस्ट इंटरटेनर का अवार्ड दिए। नेक्स्ट9life से हिमांशी की रिपोर्ट।